लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जोनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नॉर्दर्न रेलवे का चुनाव संपन्न हुआ, जिसके लिए विधिवत रूप से 21/9/2019 को जो जोनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और नोटिफिकेशन के साथ ही जो वोटर लिस्ट थी उसको विधिवत रूप से जारी किया गया था, और सभी लोगों को इस जोनल कार्यकारिणी की चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि महाप्रबंधक कार्मिक को भी जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि तमाम डीआरएम्स को भेजी गई बाइड पब्लिसिटी के लिए, और इस चुनाव की जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीख थी वो 12 इस महीने की तारीख थी 5 बजे तक, और जो नॉमिनेशन आए थे उसके हिसाब से ये जो चुनाव की डिस्प्ले लिस्ट जारी की गई थी उसमें जोनल अध्यक्ष के लिए विशंबर जी श्री प्रेम सिंह जी उम्मीदवार थे, और जोनल कार्यकारी अध्यक्ष के लिए श्री आर डी मीना जी, श्री महादेव मीना जी उम्मीदवार थे, और जोनल सचिव के लिए केवल अशोक कुमार उम्मीदवार थे, और जोनल एडिशनल सेक्रेटरी के लिए श्री पदम सिंह जी, श्री गुरदीप सिंह जी उम्मीदवार थे, जोनल कोषाध्यक्ष के लिए किशन कुमार चौटाला, जो खाली किशन कुमार हैं, चौटाला नाम नहीं रखा गया था उसमें क्योंकि इनका दस्तावेज में चौटाला नाम नहीं है, वो उम्मीदवार थे, और महेश कुमार जी उम्मीदवार थे। ये सभी लोग एसोसिएशन के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एसोसिएशन को इन्होंने भरपूर सहयोग किया है, एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है, और आज अगर एसोसिएशन इन बुलंदियों पर पहुंची है तो इन सब लोगों का इसमें हाथ है, क्योंकि जो विरोधी लोग हैं वो ये हमेशा चर्चा करते हैं कि किसी भी कार्यकारिणी का चुनाव नहीं होता। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये बताने का प्रयास किया कि नॉर्दर्न रेलवे जोनल कार्यकारिणी का विधिवत रूप से जो एसोसिएशन का बायलॉज है उसके हिसाब से हमने चुनाव कराने का प्रयास किया, जिसके लिए हमने पहले ब्रांच कार्यकारिणी का चुनाव कराया, उसके बाद हमने डिवीजनल कार्यकारिणी का चुनाव कराया, और डिवीजन और वर्कशॉप के चुने हुए पदाधिकारी उनके द्वारा आज हमने जोनल कार्यकारिणी का चुनाव कराया, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि चुनाव निर्विरोध हो, एनोनिमस हो जाए, लेकिन इसमें आम सहमति नहीं बन पाई। जोनल अध्यक्ष के लिए जो जो नॉमिनेशन आए थे उसमें विशंबर जी ने, जो पुराने बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जिनका केंद्रीय कार्यकारिणी बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है, और जो चेन्नई से लेकर आज तक केंद्रीय कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए पूरा अपना सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से, उन लोगों ने उसने ये माना कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। माननीय प्रेम सिंह जी के समर्थन में उनको समर्थन दिया और उनको जोनल प्रेसिडेंट के लिए सहयोग किया, जोनल कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आर डी मीना जी जो पूरे एसोसिएशन में पूरी मेहनत से काम करने का प्रयास करते हैं, जो हमारी जो फिरोजपुर डिवीजन है उसमें माननीय भारत भूषण जी, जो हमारे स्वर्गीय जो राम कुमार जी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहे हैं, उनके साथ ही महादेव प्रसाद मीना जी जिन्होंने अपने नॉमिनेशन में अपनी रिसीट नंबर नहीं भरा था, अपने कहने में मेंबरशिप का नंबर नहीं भरा था, इसलिए उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया और इसलिए उनको निर्विरोध घोषित किया गया। मैं
जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार जिसके खिलाफ कोई नॉमिनेशन नहीं आया था, मैं निर्विरोध घोषित किया गया। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी श्री पदम सिंह जी, श्री पदम सिंह जी, श्री गुरदीप सिंह जी, जो दो उम्मीदवार थे जिनमें पदम सिंह का भी बहुत बड़ा सहयोग केंद्रीय कार्यकारिणी में बनाने का रहा है, लेकिन गुरदीप सिंह जी भी पीछे नहीं है। चाहे वो आर्थिक रूप से कोई सहायता रही हो, चाहे वो एसोसिएशन को मजबूत करने का काम रहा हो, चाहे वो किसी भी समय कोई जरूरत पड़ी हो, तो गुरदीप सिंह जी ने भी हमारी मदद की है। लेकिन आज जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष रूप से आप लोगों के सहयोग से जोनल कोषाध्यक्ष का भी हुआ। जोनल कोषाध्यक्ष में दो उम्मीदवार थे, एक किशन कुमार चौटाला और एक महेश कुमार जी। महेश कुमार का भी एसोसिएशन को मजबूत करने में अहम भूमिका है, किशन कुमार चौटाला के भी कोई कम नहीं है, उसकी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो इसलिए जो आप लोगों ने मत का प्रयोग किया और अपने विवेक से किया, आपने जो कमेटी केंद्र कार्यकारिणी जो जोनल कार्यकारिणी बनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते ये मेरे सानिध्य में काम कर रहे हैं, मैं आगे भी जिस तरीके से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाने का काम किया है, जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी इससे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने का काम हम। आज जो चुनाव हुआ उस चुनाव में किसको कितने मत मिले, कौन हारा कौन जीता, ये अपने घर की बात है, लेकिन बाहरी शक्तियों से उनको कमजोर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए जो एसोसिएशन को बर्बाद करना चाहते हैं, बदमान बदनाम करना चाहते हैं, जो एसोसिएशन को चाहते हैं, जो एसोसिएशन को कमीशन के माध्यम से बर्बाद करने का काम करना चाहते हैं, हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्दर्न रेलवे में हम सब लोग एक हैं। हमने मत का प्रयोग किया, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके अपना एचओएस इंस्पेक्टर और जो भी आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आरपीएफ के जो हमारे सिक्योरिटी के लोग आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान कराने में हमारा सहयोग किया, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जो विरोधी लोग हैं वो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, जो हमारे बहुजन मीडिया है दिल्ली के अंदर, जो हमारे दलितों की आवाज उठाने का काम करता है, जो हमारे को मजबूत करने का पूरी पूरी भूमिका अदा करने का काम कर रहा है, जो उसने आज ये देख लिया कि जो चुनाव हुआ है वो बायलॉज के हिसाब से इम्पार्शियली डेमोक्रेटिकली और अनफेयर मैनर में हुआ है, या किसी को दबाव में वोट नहीं डलवाया गया, जो चुने गए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चुनाव हारे हैं वो मेरे अपने उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। मामला होता है कि अभी तक मीनाओं को अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉयज जो एसोसिएशन बनाया है इनकी कहीं भागीदारी नहीं होती, और आज देखा है कि जो मीना जी हैं वो चुनाव जीत के आए हैं। देखिए ऐसा है कि जो आप सवाल कर रहे हैं वही गलत है जी। ये ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है जी, इसमें जो चुनाव लड़ता है लोग जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं जी, और जो मतदाता होते हैं वो अपना मत का प्रयोग करते हैं, और जिस तरीके से मत का प्रयोग होता है उसके हिसाब से भागीदारी मिलती है। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारा ये प्रयास है कि प्रांत से लेकर ऑल इंडिया तक, मतलब ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एससी और एसटी की दोनों की मिली हुई साझेदारी ये क्या नाम है सल्तनत है, तो इसमें एसटी की भी भागीदारी होनी चाहिए और इसमें एससी की भी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। जो भागीदारी हमारे आरडी मीना को मिली है वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने काबिल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने फिरोजपुर डिवीजन को मजबूत करने में काम किया, अब जोनल कमेटी में इनको जिम्मेदारी दी गई है ये मजबूत करने का काम करेंगे। डिवीजन में भी जहाँ जहाँ
जो प्रयास करेगा, जो काम करने वाले हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आई डी मीना जी। जिस तरीके से लोगों के विचार आते हैं, लोगों की जो सोच जो होती है, कहते हैं कि भी अभी इस जो एसोसिएशन में इसमें मीणाओं की कोई भागीदारी नहीं है, तो आप इस समय आप चुनाव जीत के हैं, क्या कहेंगे मीणाओं की भागीदारी के लिए? मैं सबसे पहले महामंत्री अशोक कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मैं निर्विरोध चुनाव जीत के आया था। ऐसी सोच लोगों की कुछ की हो सकती है, पर ये सोच गलत है, क्योंकि एसटीएससी एक परिवार है और ये परिवार में हिस्सेदारी मांगना और एक वो करना ये गलत बात है। जो काम करता है वो एसोसिएशन में आगे बढ़ता है, उसमें महामंत्री जी को तो अच्छा लगा तो मेरे को आगे बढ़ाया गया। और इसमें ऐसी डिमांड करते हैं काम करो, एसोसिएशन में काम करने वाला आदमी चाहिए, जो काम करेगा वो एसोसिएशन में आगे बढ़ेगा। इस बात मेरे निर्विरोध चुनने से ये बात सिद्ध होती है, जो काम करेगा वो एसोसिएशन में आगे बढ़ेगा। और इसमें महामंत्री जी ने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। देती है कि जिसके पीछे या जिसके सिर पे और पीठ पे राष्ट्रीय महामंत्री जी का हाथ हो तो अच्छा ही महसूस करेगा। तो मैं आज के इस चुनाव कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के एसोसिएशन के हित में संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। साथियों, जीत हार होती रहती है, जो जीते हैं वो अपने हैं और जो भी नहीं जीत पाए हैं वो उनसे भी ज़्यादा अपने हैं, क्योंकि जो जीत के आए हैं उन पर जिम्मेदारी बढ़ी है और जो नहीं जीत के आए उन पर पहले की जिम्मेदारी से उससे थोड़ी और जिम्मेदारी बढ़ी है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि हम सभी लोग जातिवाद एससी एसटी सबको भूल करके, नीच मतलब छोटा पद बड़ा पद भूल के संगठन के हित में काम करें और राष्ट्रीय महामंत्री के कुशल नेतृत्व को स्वीकार करते हुए संगठन के हित में काम करें, मैं यही कहना चाहूँगा। एक बात सवाल है कि अभी जो है एससी एसटी के बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो यूनियन से जुड़ा हुआ है, उसको एसोसिएशन में आने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें जो एसोसिएशन और यूनियन में, असल में जब एसोसिएशन नहीं थी तो एसोसिएशन के भी पदाधिकारी सभी यूनियन में ही थे, लेकिन आज जो हमारे चंद लोग हैं जो यूनियन में हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं, और जो एसोसिएशन में हैं वो अपने फायदे के साथ साथ अपने समाज के फायदे के लिए भी हैं। तो मैं जो यूनियन में जो लोग हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर में आएँ, सम्मान से आएँ, समाज के लिए काम करें, जिस तरह से आपको जिम्मेदारी समाज की मिली है उसको बखूबी निभाएं और समाज के जो भी आपको जिम्मा मिला है उसमें सहयोग करें, क्योंकि यूनियन में आदमी व्यक्ति विशेष अपनी निजी लाभ तो ले सकता है लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो भी ट्रेड यूनियंस में या दूसरी जगह है वो अपने घर आएँ और जिम्मेदारी से काम करें और कुशल नेतृत्व जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके नेतृत्व को स्वीकार करें और उसमें सहयोग करें। हमारे बीच में पदम सिंह जी भी हैं। जो आउटगोइंग कमेटी है वो नॉमिनेशन मतलब सर्कुलेट मतलब नोटिफाई करती है, आउटगोइंग जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जी, उन्होंने दीपचंद जी को चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया था और उसमें राजेश जी वो इलेक्शन ऑफिसर थे, गेटू सिंह जी इलेक्शन ऑफिसर थे। बायलॉज का प्रोविजन है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो चुनाव कराएगा जी, लेकिन हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक भाई आर सागर जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं केंद्रीय कार्यकारिणी के, वो सेंट्रल की कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक थे, इन्होंने की देखरेख में चुनाव हुआ। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो नॉमिनेट होता है प्रशासन की तरफ से ऑब्जर्वर नॉमिनेट हुआ था वो सीनियर पर्सनल ऑफिसर सीनियर स्केल अधिकारी माननीय बलवान सिंह जी नॉमिनेट हुए थे, उनके साथ एक वेलफेयर इंस्पेक्टर, उनके साथ एक स्टेनो, मतलब पूरी टीम जो 6 आदमियों ने चुनाव संपन्न कराया और ये पूरे बायलॉज की प्रक्रिया अपनाते हुए इन लोगों ने चुनाव कराया।